स्वागत है आपका एचडी एजुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेजेस यानी फायदे क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस यानी के नुकसान क्या क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट दो सोर्सेस से हो सकती है, दो तरीकों से की जा सकती है। पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस वीडियो में हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में नए जॉब पोजीशन या काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने मौजूदा स्टाफ्स, अपने मौजूदा इम्प्लॉइज में से कैंडिडेट का चुनाव करती है, अपने वर्तमान स्टाफ्स में से अपने प्रेजेंट इम्प्लॉइज में से कैंडिडेट्स का चुनाव करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट स्टाफ या इम्प्लॉइज में से ही इम्प्लॉइज को किसी नए काम या पोस्ट के लिए रिक्रूट करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और अच्छे से हो पाता है। इतना ही नहीं, नए काम करने का अवसर जब इम्प्लॉइज को मिलता है उससे इम्प्लॉइज का स्किल, कौशल, एक्सपर्टीज, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। चलिए जानते हैं किन किन तरीकों से, सोर्सेस से, स्रोतों से कंपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है। पहला तरीका या सोर्स है इम्प्लॉय का ट्रांसफर करके। जब इम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम में, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर में इम्प्लॉय को पुराने जॉब के हिसाब से ही नया काम मिलता है जिसमें नए काम का पेमेंट, स्टेटस, जिम्मेवारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग एक सा रहता है, मतलब लगभग पुराने काम की तरह ही होता है। अच्छा, जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि कोई इम्प्लॉय किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा, किसी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से नहीं उठा पा रहा है, तो उस केस में भी इम्प्लॉय का ट्रांसफर एक जॉब से दूसरे जॉब में कर दिया जाता है या एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में कर दिया जाता है। पर ट्रांसफर के साथ एक रिस्क यह भी होता है, एक जोखिम यह भी होता है कि ट्रांसफर करने से इम्प्लॉय का दक्षता और मोरल यानी हौसला प्रभावित हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि एक डिपार्टमेंट में जहां पर इम्प्लॉयज आवश्यकता से ज्यादा है, इम्प्लॉय सरप्लस है, वहां से कर्मचारियों का ट्रांसफर उस डिपार्टमेंट में किया जा सकता है जहां पर इम्प्लॉयज कम है, इम्प्लॉयज का डेफिसिट है। कभी कभी इम्प्लॉयज के स्किल को बढ़ाने के लिए भी एक काम से दूसरे काम में, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में इम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा तरीका या सोर्स है इम्प्लॉय का प्रमोशन। जब इम्प्लॉय को लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में शिफ्ट किया जाता है तो उसे इम्प्लॉय का प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन मेरिट को ध्यान में रखकर हो सकता है या सीनियोरिटी के आधार पर हो सकता है, मतलब इम्प्लॉय कितना सीनियर है इसको ध्यान में रख करके भी प्रमोशन किया जा सकता है। ऐसा होता है कि प्रमोशन के बाद इम्प्लॉय को ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा अधिकार और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेवारियां मिलती हैं। प्रमोशन मिलने से इम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है और इम्प्लॉय अपने काम के प्रति और जागरूक हो जाता है। तीसरा तरीका या सोर्स है डिमोशन। जब इम्प्लॉय को किसी हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पर शिफ्ट किया जाता है तो उसे इम्प्लॉय का डिमोशन कहते हैं। जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इम्प्लॉय प्रेजेंट पोस्ट, वर्तमान पोस्ट पर सही से काम नहीं कर रहा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने जिम्मेवारियों को सही से नहीं निभा रहा, तब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस इम्प्लॉय का डिमोशन कर सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिमोशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डिमोशन करने से इम्प्लॉय का मोराल यानी हौसला नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तीसरा सोर्स या तरीका है पुराने इम्प्लॉयज को वापस काम पर रखना। इस सिचुएशन में, इस केस में ऑर्गेनाइजेशन के पुराने भरोसेमंद इम्प्लॉय को काम पर वापस रखा जाता है। ऐसा हो सकता है कि पुराने इम्प्लॉय का स्किल, काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जो ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाता हो, तो उस केस में पुराने इम्प्लॉयज को वापस काम पर रखा जाता है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने इम्प्लॉयज को काम पर रखती है। अगला सोर्स या तरीका है इम्प्लॉयज का रेफरेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान इम्प्लॉय अपने किसी फैमिली मेंबर, परिवार का सदस्य, अपने किसी दोस्त को किसी पोस्ट या जॉब के लिए रेफर करता है तो उसे इम्प्लॉय के द्वारा किया गया रेफरेंस कहेंगे। जिस भी व्यक्ति को रेफर किया जाता है उसका स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, काम करने का तरीका काम के साथ मिलाकर, पोस्ट के साथ मिलाकर देखा जाता है
ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस व्यक्ति का स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस काम के हिसाब से एडिक्वेट, काम के हिसाब से पर्याप्त है भी कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस यानी फायदे के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आसान और समय बचाने वाला प्रोसेस। रिक्रूटमेंट को जब इंटरनली किया जाता है तो वह प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल नहीं होता, बल्कि एक आसान प्रोसेस, एक आसान प्रक्रिया होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से इम्प्लॉयज को चुनना होता है तो लंबी लंबी इंटरव्यूज नहीं लेनी होती, क्योंकि इम्प्लॉयज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही जानता है। अगला फायदा है, अगला एडवांटेज है बेस्ट वर्क, बेस्ट काम। जब ऑर्गेनाइजेशन में से किसी इम्प्लॉय को प्रमोशन या ट्रांसफर से नए काम में रखा जाता है, नए पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है, तो बाकी इम्प्लॉयज को भी लगता है कि वह अच्छा काम करके प्रमोशन पा सकते हैं। इससे इम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं और अपना काम और अच्छी तरह से पूरा करते हैं। अगला फायदा है कम खर्च लगना। अगर रिक्रूटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली परफॉर्म करता है तो वह प्रोसेस कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस तरीके में ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर पैसे खर्च नहीं होते, और ज्यादा लंबे चौड़े प्रोसेस ना होने की वजह से उस पर पैसे बचते हैं, और इतना ही नहीं समय भी बचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का यह तरीका कम खर्चीला होता है। और एक बात, इम्प्लॉय पुराने होते हैं तो उस केस में उनको काम सिखाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके सिखाने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देना होता, जिससे ट्रेनिंग पर भी ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा खर्च नहीं होता। अगला फायदा है कम मिस्टेक होने का चांस। नए काम या पोस्ट के लिए जब इम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से चुना जाता है तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस में रखे रिकॉर्ड से उनका जांच पड़ताल आसानी से कर सकता है और उससे रिलेटेड डिसीजन भी ले सकता है। अगला फायदा है इम्प्लॉय के सामने इमेज। जब इम्प्लॉय यह देखता है कि उसके बीच के ही एक व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज इम्प्लॉय के सामने और अच्छा हो जाता है, और इम्प्लॉय अपने काम के प्रति और कमिटेड और सजग हो जाता है। हर एक तरीके में कोई ना कोई नुकसान या डिसएडवांटेजेस जरूर होता है, किसी प्रोसेस में कम, किसी प्रोसेस में ज्यादा। रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स में भी कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, चलिए एक एक कर उसको पढ़ते हैं। पहला है चॉइस लिमिटेड होना। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट इम्प्लॉयज में से ही नए काम या पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है तो चॉइस लिमिटेड हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्तमान इम्प्लॉयज में से ही लोगों को चुन सकता है। अगला डिसएडवांटेज है फ्रेश टैलेंट पर कम फोकस करना। जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ पर ही निर्भर रहती है तो उसका फोकस फ्रेश टैलेंट पर कम होता है। अगला डिसएडवांटेजेस है स्पेशलाइजेशन में रुकावट। अगर किसी इम्प्लॉय का जॉब या वर्क बार बार बदला जाएगा तो वह किसी भी पर्टिकुलर जॉब या पोस्ट पर ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा, जिससे काम में स्पेशलाइजेशन हासिल करने में परेशानी आ सकती है। अगला डिसएडवांटेज है खाली स्पेस। पोस्ट ए से पोस्ट बी पर किसी इम्प्लॉय को जब प्रमोट या ट्रांसफर किया जाता है तो पोस्ट ए खाली हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन पर यह एक्स्ट्रा काम आ जाता है कि कैसे पोस्ट ए को फिल किया जाए, कैसे पोस्ट ए को भरा जाए। अगला डिसएडवांटेज है कम एंथुजियाज्म, कम उत्साह। जिस इम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं होता या जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वह दुखी हो जाता है और उसके काम करने में एंथुजियाज्म में कमी देखने को मिल सकती है।